किसी जमाने में ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा डीडवाना का सिंधी सरोवर बदहाल है और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक ये सरोवर करीब 1.5 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है और आसपास के पूरे इलाके के लोगों की प्यास बुझाता था। ना तो इसकी तरफ परिवार प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना जनता ध्यान दे रही है। अतिक्रमण हो रहे हैं और उसकी जो बोलियां हैं वो कट कट करके समाप्त होती जा रही है। मुंह है वो लोग उठा करके ले जा रहे हैं। इसका विस्तार इधर आप कोलिया बालिया रोड पर चले जाओ तो ये सोडोलाव भूतलाई तिलोड़ाई नौचिला ये सब सिंगी सरोवर के ही किसी जमाने में भाग थे जो आज वो गंदे पानी का एक स्रोत बन गए हैं। यहाँ पर पास में रहने वाले लोगों के लिए एक दुख का विषय बनता जा रहा है। सिंधी सरोवर देश की गंगा जमुनी तहजीब का भी एक उदाहरण है। एक सरोवर में बालाजी का मशहूर मंदिर है तो वहीं मुस्लिम समुदाय के पर्व मुहर्रम के मौके पर बनने वाले ताजिए भी सरोवर के किनारे सैराब किए जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरोवर की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। अब स्थानीय लोग इस सरोवर को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अब इसकी दुर्दशा हो चुकी है। अगर प्रशासन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, नगर पालिका ध्यान दे तो यहाँ पे इसको पर्यटन की दृष्टि से भी विकास किया जा सकता है और लोग यहाँ पे आराम से पिकनिक के रूप में भी यहाँ मना सकते हैं। इसकी इतनी दुर्गति हो गई है कि यहाँ पर लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और यहाँ पर गंदा पानी जमा हो रहा है। आज से 5-6 साल पहले जब जिला कलेक्टर समीर शर्मा थे तब उनकी देखरेख हुई थी, उसके बाद यहाँ प्रशासन कोई देखरेख नहीं कर रहा है और यहाँ पर गंदा पानी हो रहा है, जुआ और सट्टा यहाँ खेले जाते हैं। हालांकि डीडवाना पालिका प्रशासन ने इस ऐतिहासिक सरोवर को बचाने के लिए राज्य सरकार से कई बार बजट की मांग की लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हाल ही में जब कलेक्टर महोदय ने मैडम ने मीटिंग ली उस समय उन्होंने वापस पुनः इन तालाबों के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए पालिका को निर्देश प्रदान किए गए जिसके अनुपालना में पुनः 2-3 जो भी तालाब है शहर के उनके सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए तटबंधा बनाया जाकर राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इन पर कार्य चालू किया जा सके। डीडवाना का शुमार ऐसे इलाके के रूप में होता है जहाँ पानी की भारी किल्लत है और ये सरोवर कभी डीडवाना इलाके के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था लेकिन अब इस सरोवर का पानी काम लायक नहीं बचा है। अब जरूरत इस बात की है कि सरोवर को उसका मूल स्वरूप लौटा दिया जाए जिससे एक बार फिर से लोगों के लिए पानी का स्रोत बन सके। डीडवाना ऐसे इलाकों में शुमार किया जाता है जहां की पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है। अगर सिंधी सरोवर को उसके मूल स्वरूप में लौटा दिया जाए तो आने वाले समय में डीडवाना में पानी की कमी की समस्या को इस सरोवर के जरिए दूर किया जा सकता है। शबीक अहमद उस्मानी, समय राजस्थान, नागौर।